नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord N20 SE versus Tecno Spark 8 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nord N20 SE में 6.45 इंच जबकि Spark 8 Pro में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Nord N20 SE में 2.95 इंच जबकि Spark 8 Pro में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Nord N20 SE में 187 ग्राम जबकि Spark 8 Pro में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Nord N20 SE से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Nord N20 SE में 20:9 जबकि Spark 8 Pro में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nord N20 SE में 6.56 इंचेस जबकि Spark 8 Pro में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Nord N20 SE में 720x1600 और Spark 8 Pro में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nord N20 SE में 84.57% जबकि Spark 8 Pro में 84.73% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nord N20 SE में 267 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Spark 8 Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Nord N20 SE में दो कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Spark 8 Pro की बात करें तो इसमें तीन कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Nord N20 SE में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Spark 8 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Nord N20 SE में पावर GE8320 जबकि Spark 8 Pro में माली G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Nord N20 SE में MediaTek Helio G35 और Spark 8 Pro में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Nord N20 SE में अप टू 1TB जबकि Spark 8 Pro में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Nord N20 SE में Android V12 जबकि Spark 8 Pro में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Nord N20 SE में 2 कलर्स जबकि Spark 8 Pro में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Nord N20 SE 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Spark 8 Pro की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 9,699 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
OnePlus Nord N20 SE में 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें TechnoSpark 8 Pro की तो उसमें 5 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Nord N20 SE आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Spark 8 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A76 है, दूसरा TechnoSpark 9 है, तीसरा TechnoSpark 9T है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें TechnoSpark 8C है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।